सबसे पहले मैं लगाऊंगी अपने फेस पे, टोनिंग करूंगी। आपके पास कोई भी गुलाब जल हो तो आप कॉटन की हेल्प से, या आपके पास स्प्रे वाली बॉटल होगी तो आप उससे अप्लाई कर लीजिएगा। तो मैंने एक स्प्रे वाली मिस्ट की, मेरी बॉटल खाली हो गई थी तो मैं उसी से अप्लाई कर ले रही हूँ। ओके, तो इसको आपको दो से तीन मिनट के लिए छोड़ देना ताकि आपकी स्किन में अच्छे से ड्राई हो जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। तो मैं ले रही हूँ लैक्मे का फाउंडेशन और मेरा शेड है SPF 8। ठीक है, इसी को आधा कंसीलर आज मैं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि सभी के पास कंसीलर नहीं होता है। तो मैंने कहा आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप किस तरीके से अपना आई बेस तैयार कर सकते हैं। इसको फिर हम अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से लैक्मे के कॉम्पैक्ट से अपने कंसीलर को यानी फाउंडेशन को सेट कर लूंगी। इस तरीके से देखिए कितने अच्छे से सेट हो गए। कवरेज आपकी कंसीलर जैसी नहीं देगा, जो रियल बात है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बट अगर आपके पास नहीं है तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लूंगी विल्टन वाइट का मिनी पैलेट, मैं ये वाला सेट पिक कर रही हूँ। फिर मैं ले रही हूँ एनवाइजी की लिपस्टिक और मेरा शेड है 1। ये अपने पूरे आईलेट पे मैं अप्लाई कर लूंगी और लिपस्टिक को अच्छे से अप्लाई कर लेंगे अपने आईलेट पे थोड़ा थोड़ा सा। और फिर क्या करेंगे, फ्लैट ब्रश लेंगे, उसी की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये अच्छे से लग जाए हमारे दोनों ही आई में। ये वाला शेड पिक करूंगी और इसको अच्छे से अपने पूरे लिपस्टिक के ऊपर हल्के हल्के से फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लेंगे। मैं एक ये वाला शेड पिक करूंगी और पफी ब्रश की हेल्प से हल्का हल्का सा ऊपर ब्लेंड कर लूंगी। इस तरीके से आप ब्लेंड कर लोगे ना तो आपका आई मेकअप काफी ज्यादा अच्छा दिखेगा, मैसी नहीं दिखेगा और अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। ठीक है, लूंगी NYBA का लाइनर और अच्छे से ये आपको लाइनर अप्लाई कर लेना। अगर आप बिगनर हो तो आप इस लाइनर अप्लाई कर सकते हो और ये लाइनर काफी ज्यादा अच्छा है, बजट में है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, पेंसिल ब्रश लूंगी और उसमें यही वाली सेम लिपस्टिक अपने ब्रश में लगाऊंगी मैं इस तरीके से। देखिए, और लिपस्टिक को थोड़ा थोड़ा सा लेकर जैसे आप काजल अप्लाई करते हो ना वैसे आपको अप्लाई कर लेना है थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, बाद में लगाऊंगी ये ब्राउन वाला सेट और थोड़ा थोड़ा सा हाफ में लगाऊंगी, पूरे में नहीं लगाऊंगी, आधे में ब्राउन लगाऊंगी और इसके बाद पिंक शेड में अप्लाई करूंगी आधे में। इससे आपका आई मेकअप काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगेगा और बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो इस तरीके से आपको हल्के हल्के से अप्लाई कर लेना है। ठीक है, यही वाला और आधे में जो मैंने छोड़ा है उसमें अप्लाई कर लूँगी। यहाँ पर मैंने छोड़ा था ना, ये देखिए, ये देखिए। इसके बाद मैं लगाऊंगी लैक्मे का काजल, आपको अंदर लगाना है बाहर नहीं लाना है। इसके बाद मैं अपनी आईब्रो को फिल करूंगी और अपनी आईब्रो को अच्छे से हल्के हल्के से फिल करना है, ज़्यादा धंसा कर नहीं लगाना है। ठीक है, इसी के पीछे एक सेट करने वाला होता है, इसी के इससे अब हम सेट कर लेंगे। और अब मैं लगा रही हूँ लैक्मे का मॉइस्चराइजर। और काफ़ी लाइट वेट है और आपके स्किन में थोड़ा सा पिंकिश पिंकिश सा ग्लो देता है। ये ले रही हूँ हुडा ब्यूटी का प्राइमर। इसकी एक चीज़ नहीं अच्छी लगती, वो है क्या, जो इसमें चिपचिपापन होता है ना, चिपचिप सा, वो मुझे इसका नहीं अच्छा लगता है। इसको अच्छे से ही अप्लाई कर लेना है और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। और थोड़ी देर के बाद जब आप देखें इसका चिपचिपापन खत्म हो चुका है तब आप अपना फाउंडेशन अप्लाई कर लीजिए। तो मैं फाउंडेशन लूंगी जो मैंने अपनी आई पे अप्लाई किया था, इसको अच्छे से इसी तरीके से मैं अप्लाई कर लूंगी हर जगह लेती। तो अब चलिए हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं अच्छे से ही। और ये देखिए बिल्कुल लाइट वेट फाउंडेशन है ये, ले लोगे इसे ब्लेंड करने लगोगे ना तब आपको इजी लगेगा, लेकिन जब आप पहली बार इसे ब्लेंड करोगे ना तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपको पता नहीं होता कि इसको किस तरीके से ब्लेंड करना है। अगर आप बिल्कुल लाइट फाउंडेशन चाहते हैं तो ये फाउंडेशन अच्छा है और इससे भी ज्यादा लाइट चाहते हैं तो ब्लू है इनका। फाउंडेशन को सेट कर लेंगे लैक्मे के कॉम्पैक्ट से और थोड़ा थोड़ा सा पाउडर लेके मैं अपना कॉम्पैक्ट और हल्के हल्के सेट करूंगी। एक्स्ट्रा निकालते हुए इकट्ठे मत लगाइएगा, ठीक है, हल्के हल्के से।
अगर आप चाहते हो ब्राउन्जर करना तो इसमें से ये वाला सेड पिक कर सकते हो, ब्राउन्जर ऑप्शंस के लिए बेस्ट है, मैं आपको करके दिखा सकती हूँ, वरना आप इसे भी कर सकते हो, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं कर रही हूँ। तो एक छोटू से ब्रश लेना है, थोड़ा थोड़ा सा लगाना है। तो सबसे पहले हम नोज पे, ये देखिए कितने अच्छे से काम कर गया ना, ये से आपको चीक पे लगाना है हल्का हल्का सा। पिंक वाला शेड लिया था ना, वही शेड हम लेंगे ब्लशर के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट शेड है और इससे ग्लो भी आएगा। ये देखिए कितना अच्छा सा ग्लो आ रहा है ना, और पता भी नहीं चलेगा अपने ब्लशर में। ये हाइलाइटर का शेड है तो इसी से मैं हाइलाइटिंग भी कर लूंगी। और अच्छे से मैं पूरे फेस पे अपने हाइलाइटिंग कर लूँगी जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइटिंग की ज़रूरत है। और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टा और टिकटॉक पे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे तो जाइए फटाफट से करिए, वहाँ आपको मेरा अच्छा अच्छा डांस देखने को भी मिल जाता है, प्लस मेरी ड्रेस भी आप लोगों को अच्छे से देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को लिपस्टिक दिखाना भूल गई थी, सॉरी, ये NYB की है। और ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक, पहले ही बोल दिया, तो चलो जाने दो। कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मिलते हो अच्छे से वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर। ओके, बाय बाय।